स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल आईटी के रडार पर हैं। 50 करोड़ से ज्यादा के मामले में दीपक सिंघल को आईटी जल्द तलब करेगी। दीपक सिंघल पहले सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव थे, इसके बाद दीपक सिंघल प्रदेश के मुख्य सचिव बने। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में भी सीबीआई मांग हो चुकी है, मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मांगी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और दीपक सिंघल पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है, शिकंजा कसा जा सकता है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश के मुख्य सचिव थे दीपक सिंघल, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा सकती है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई जांच की मांग जो है वो की जा चुकी है। तो यूपी के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल, जिनको अब आईटी अपने रडार पर ले सकती है, 50 करोड़ से ज्यादा के मामले में दीपक सिंघल पर कार्रवाई की जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये पूर्व अधिकारी जिस पर अब आईटी अपना शिकंजा कस सकता है। सिंचाई विभाग में प्रमुख सचिव थे दीपक सिंघल, जो कि अब आईटी की रडार पर आ सकते हैं, उन पर कार्रवाई की जा सकती है और जल्द तलब किया जा सकता है दीपक सिंघल को। विभाग के प्रमुख सचिव थे सिंचाई के, और इसके बाद दीपक सिंघल प्रदेश के मुख्य सचिव बने थे। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में भी सीबीआई मांग की जा चुकी है। तो ये शिकंजा दीपक सिंघल पर जल्द कसने वाला है। 50 करोड़ से ज्यादा के मामले में आईटी जो है जल्द तलब कर सकती है दीपक सिंघल को, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने निकल के आ रही है। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, और सिंचाई विभाग के प्रमुख रह चुके हैं, प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, और अब दीपक सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती है। दीपक सिंघल के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और जाहिर है आईटी जब कार्रवाई करेगी तो फिर तमाम चीजें खंगाली जाएंगी, और ऐसे में तमाम चीजों का ब्यौरा जो है वो दीपक सिंघल को देना होगा, जिसको लेकर मुश्किल काफी ज्यादा दीपक सिंघल की बढ़ सकती है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में भी सीबीआई मांग हो चुकी है, मुकदमा दर्ज करने की इजाजत भी मांगी जा चुकी है। अब ईडी के रडार पर ये दीपक सिंघल आ जाएंगे, और अभी फिलहाल ईडी तैयारी कर रही है कार्रवाई करने की। यहां पर 50 करोड़ से ज्यादा मामले में आईटी यहां पर जल्द तलब कर सकती है, और फिर इनसे पूछताछ हो सकती है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कम सीधे रुक रहते हैं। विशाल, दीपक सिंघल की मुश्किलें जल्द बढ़ सकती हैं, क्योंकि आईटी की नजर बनी हुई है दीपक सिंघल पर। अब देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपक सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि आईटी की टीम ने लगातार तमाम जो दस्तावेज हैं, तमाम जो पुराने आंकड़े हैं, उन सबको निकाला है, और उसके आधार पर दीपक सिंघल को जल्द ही आईटी की टीम तलब करेगी। और खास बात यह है कि दीपक सिंघल जो है करीब 50 करोड़ से ज्यादा के मामले में जो है फंसते नजर आ रहे हैं, और इससे पहले भी एक FIR दिल्ली में दीपक सिंघल के खिलाफ हुई थी, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं, और इसके साथ साथ सिंचाई विभाग में भी प्रमुख सचिव रहे हैं, और सपा सरकार में अधिकारियों के तौर पर दीपक सिंघल का नाम आता था। गोमती रिवर फ्रंट मामले को लेकर भी सीबीआई ने दीपक सिंघल के खिलाफ FIR दर्ज कराने की करने की जो इजाजत थी वो सरकार से मांगी थी, चूंकि उस वक्त भी वो सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव थे, और दीपक सिंघल की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो कई मामलों में आई थी, और आईटी की टीम लगातार तमाम दस्तावेज जो है वो खंगाल रही थी, और इसी कड़ी में आईटी की टीम ने दीपक सिंघल को तलब करने की तैयारी कर ली है, और आईटी की टीम ने तमाम जो दस्तावेज है वो तैयार कर लिए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अब जो है दीपक सिंघल पर शिकंजा कसता हुआ आईटी का नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी देने के लिए।